अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, मॉडर्न केमिस्ट्री को डिफाइन किया था और उसके साथ साथ हमने केमिस्ट्री एंड सोसाइटी को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, मगर आपके सिलेबस में जो दी गई है वो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो कितनी है, मेन ब्रांचेस वो कितनी है, 9। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे कितनी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, 9 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तो पहली हमारे पास जो केमिस्ट्री है वो फिज़िकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, 7 नंबर पर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, 8 नंबर पर आपकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और 9 नंबर पर है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। अब हम जो है 1 by 1 जो है डिस्कस करते हैं ब्रांचेस को। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, फिज़िकल केमिस्ट्री। हमारे पास 1 जो है कौन सी है, फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, तो फिज़िकल केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ द लॉज एंड द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स इन द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो लॉज एंड प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करते हैं उसकी जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या, केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो लॉज आपके लगते हैं या प्रिंसिपल्स लगते हैं उन चीज़ों की जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, 2nd नंबर। अब देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विथ द कार्बन कंपाउंड्स विथ द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी किसकी करते हैं, कार्बन कंपाउंड की, जो भी आपके कार्बन कंपाउंड है उनकी स्टडी करेंगे तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मगर किनके सिवा, एक्सेप्शन कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके सिवा, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट्स से, मेटल से जो भी कार्बोनेट्स बनेंगे उनकी स्टडी करेंगे, या आपके बायकार्बोनेट्स से, इनके सिवा जो हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या दूसरे वर्ड्स में हम कह लेते हैं कि क्या है, एक्चुअली इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। या इससे बनने वाले जो डेरिवेटिव्स हैं इनसे जो चीज़ें ड्राइव होती हैं उसकी भी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी हमारे पास जो ब्रांचेज है उसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विथ द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं एलिमेंट की, जो भी आपके पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स हैं, इनकी जब हम स्टडी करेंगे और इनसे बनने वाले जो कंपाउंड है उसकी जब स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली हम इसको कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी आपके मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, आपके नॉन लिविंग थिंग है, तो उसमें स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नंबर फोर है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री को देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विथ द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द काइंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपाउंड इन अ गिवन सब्सटेंस। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है, मुख्तलिफ कंपाउंड्स हो सकते हैं, उनकी जो है क्वालिटी, उनकी क्वान्टिटी और उनको काइंड को डिटरमाइन करने के लिए हम जो मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं
उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी कंपाउंड हो हमारे पास, उसका हमें क्वांटिटी मालूम करनी है, क्वालिटी मालूम करनी है या उसका काइंड मालूम करना है, उसमें टेक्निक्स या मेथड्स जो यूज़ होते हैं उनकी स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। नंबर 5 ब्रांचेस है हमारे पास, 5 नंबर पे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायो वर्ड मीन्स लाइफ, तो इसके इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री में हम जो स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की स्टडी करते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, इनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास जो है 6 नंबर पे है इंडस्ट्रियल। सिक्स नंबर पे हमारे क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट्स केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक ग्लास, सीमेंट, पेपर, सोडा एश, फर्टिलाइजर्स, मेडिसन्स, etc। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम जो है स्टडी करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में जो आपके केमिकल प्रोसेस हो रहते हैं, किसको बनाने के लिए, सीमेंट को बनाने के लिए, ग्लास को बनाने के लिए, पेपर को बनाने के लिए, या सोडा एश, फर्टिलाइजर से हमारे मेडिसन्स, ये सारी चीज़ें हमारी इंडस्ट्रीज में बनती है। तो इन इंडस्ट्रीज में ये चीज़ें बनाने के लिए जो केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं उनकी जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब हमारे पास 7 नंबर पे है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर वर्ड से हमें पता चलता है हम इसमें स्टडी करेंगे न्यूक्लियस की, तो हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स अकंपनीड बाय द एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशंस। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं हमारा एटम का जो न्यूक्लियस है, आपका ये कोई भी एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसमें जो चेंजिंग आती है, इन चीज़ों की जो चेंजिंग आ रही है इनकी स्टडी करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। कि आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, इसमें अगर चेंजिंग आ जाती हैं तो इसकी चीज़ की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास 8वीं ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, 8वां नंबर पे क्या है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 8वीं ब्रांच है हमारी। अब यहाँ से हमें वर्ड से ही पता चलता है कि हम स्टडी करते हैं किसकी, एनवायरमेंट की। इस केमिस्ट्री में हम बात करेंगे एनवायरमेंट की, मतलब हमारा एनवायरमेंट आपका कैसे जो है ख़राब होता है या कैसे सही हो सकता है, इन चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को कहते हैं। अब कैसे, हमारे पास बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों का जो धुआँ है, इंडस्ट्री का धुआँ है, वो आपके ऊपर जाता है और ओजोन को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो इस चीज़ की जब स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और दूसरा आपका फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट मटेरियल है, पानी वगैरह जो आपका गंदा पानी है, तेजाब जिसमें एसिड्स होते हैं, पता नहीं कौन कौन सी जो है चीज़ें होती हैं, वो जाकर हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, ख़राब करती है। पानी हम छोड़ देते हैं ज़मीनों में तो वहाँ से भी हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, ख़राब करता है। तो इन चीज़ों की जब स्टडी करते हैं तो हम क्या इसको बोलते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ब्रांचेज है, ब्रांच नंबर 9, वो है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। अब देख लेते हैं कि पॉलीमेरिक केमिस्ट्री क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स स्पेशली विथ द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन सच एज प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेपर, etc। अब पॉलीमराइजेशन, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में हम जो स्टडी करते हैं पॉलीमराइजेशन की। अब पॉलीमराइजेशन क्या है कि हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के ज़रिए हमारा क्या बनता है, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक और आपकी जो है पेपर वगैरह जो चीज़ें बनती है, इन चीज़ों की जब स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे 9 ब्रांचेस जो है कंप्लीट होती है। अब जो हम कल जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका क्या होगा, न्यू चैप्टर होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम न्यू चैप्टर के साथ आपके साथ होंगे।
स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2। तब तक अल्लाह हाफिज़।